बेइज्जती है। और वो सरदारी घटिया जो सिंध में बोरियां दे रहा था, लानती बेनजीर का कातिल, उसकी गैरत तब कहाँ थी? वो उसे आज गैरत नहीं आई? बिलावल की तो माँ थी ना, सरदारी ने तो हर खुद मार दी थी। सरदारी की माँ थी, बिलावल की माँ थी, उस कुत्ते को भी शर्म नहीं आई कान पे टांग रही के? क्या उसको ये तारीख में नहीं पता था कि उसकी माँ की पिक्चर जार से नीचे फेंकी गई, नंगी पिक्चर जो इस नवाज ने फेंकी थी? गो नवाज कुत्ते अमेरिका कट आउट, तू आ तुझे पाकिस्तानी सर जमीन पे कदम नहीं रखने देंगे। इमरान खान आज भी डट के खड़ा है और कल भी खड़ा था, और अब अवाम जब फैसला करेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इस बार जीत के आएंगे। अदालतें वो फैसला करे जो करप्शन के केसेस पड़े हुए हैं, केसेस निपटा है। इंशाल्लाह इस बार हम भरपूर तरीके से जीत के आएंगे और इंशाल्लाह हमें इस बार किसी हतादी की जरूरत नहीं होगी। एमक्यूएम वाले कुत्ते मेरी बात सुन लो, भिखारियों तुम लोगों की पाकिस्तान में अब कोई जगह नहीं होगी। एक बार तुम लोग इमरान खान को जीत के आने दो, जो उम्मते मुस्लिमा का लीडर है उसको आप लोग गिलाओ में से नहीं निकाल सकते। और इंशाल्लाह उम्मते मुस्लिमा का लीडर जो है तो वो इमरान खान है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान फैसले करेगी। ये गर्दार दारे से भले हुए एक सवाल का जवाब दे दें, जब फ्रांस के सफीर का मामला था तो उस वक्त ये जज्बा क्यों नहीं था? जी उस टाइम क्यों जज्बा नहीं था? इमरान खान साहब ने हर कंट्री के लिए बात की और हमेशा उन्होंने की। फ्रांस के सफीर को क्यों नहीं निकाला गया? जी वो हमारा मैटर नहीं है, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगी। ये जो जज्बा है ये हमारी अपनी कौम का सागरदार दी है। हम फ्रांस में नहीं खा पी रहे, हमारा मजहब फ्रांस वाला मजहब नहीं पढ़ा गया था। हमारा हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ये हमारा मुस्तकबिल भी फ्रांस के साथ नहीं है। आज हम फ्रांस के लिए नहीं, हम पाकिस्तानी अवाम के लिए निकले हैं, हम इमरान खान के लिए निकले हैं। और इंशाल्लाह बेकाऊ माल कुत्ते कुत्ता जरदारी कुत्ता बिलावल काम पे टांग रही को उर्दू तो सिखाता ना बगैरत, तू अमेरिका के पैसे डॉलर पे बिका हुआ। अगर तू गैरतमंद था तो तूने हमारे एमएनए क्यों खरीदे? और वो आंबर लियाकत जैसा लानती जिसे बीवियां बदवाएं देती हैं, जो इस्लाम के नाम पे दस्तों देता था, वो मैं समझती हूँ वो पाकिस्तानी कौम के ऊपर एक दबा है जिसको सबसे पहले रिमूव करेंगे। वो कहता है ना कि वो इमरान खान के खिलाफ असेंबली में वोट देने आएगा। कुत्ते तू आप आ और अगली बार हमें जीत के दिखा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।